नमस्कार, पंजाब किसने टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी की, जहां टमाटर की बोली लगी हुई है और पिछले कल की तुलना में आज टमाटर के भाव में थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली है। पिछले कल जहां पर 331 रुपए टमाटर का मैक्सिमम रेट रहा था, आज 450 रुपए तक टमाटर इस वक्त बिक रहा है। 400 रुपए से ऊपर काफी सारी क्रेटे सोलन सब्जी मंडी में आज बिकी है और 350 रुपए की बोली इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस तरह का टमाटर है, अच्छी क्वालिटी का टमाटर आज 400 रुपए से ऊपर मंडी में बिक रहा है और थोड़ी राहत आज किसानों को जरूर मिली है पिछले कल की तुलना में यदि हम बात करें। हालांकि 450 रुपए भी किसानों के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा ही है, लेकिन फिर भी कल जिस तरह से टमाटर का जो मिनिमम एवरेज रेट था कि 250 रुपए, उसमें थोड़ा सा सुधार आज देखने को मिला है। और सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 300 आज थोड़ा सा सुधार टमाटर के दामों में आज थोड़ी तेजी पिछले कल की तुलना में मिलेगी। माल सूख रहे भाई साहब, उतार ले, उतारने को बोल रहे भाई, कहाँ गया सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त तो तस्वीर है। भाई साहब पलटी हो रहा है, माल पलटी हो रहा है, माल पलटी हो रहा है, पलटी देखो माल की 250 रुपया, 250 रुपया, 60 रुपया, 260 रुपया। टमाटर की जिस तरह की क्वालिटी उस तरह का भाव आज थोड़ा सा तेजी। 280 रुपया, 290 रुपया, बोली बोली है मुझे 300 रुपया, 10 रुपया, 3 रुपया, 320, 30, 40, काकू 340, पंजाब चल रहा है, 340 संजो छोड़ दिया, 15, 6 बोलना भाई साहब, भाजी 40 प्लस भी किया। नाम रखो भाजी 200। मटर की बोली लगी थी ना। और टमाटर की जिस तरह का पुराना माल है वो 200 रुपए की बोली। 150 और 150 रुपए आप बोली दी गई। माल है थोड़ा कच्चा इसमें। इसे खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं। थोड़ा कच्चा है, लूज माल है भाई साहब। और गर्मी 150 है। माल होगा शायद जो किसानों ने धूप में पकोने के लिए छोड़ा होगा, लेकिन अब मौसम थोड़ा ठंडा भी हो रहा है। नहीं भाई जी, उतार दे नीचे दिखा दे भैया, बड़ा शक है, योगी ने बड़ा शक हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी टमाटर की है और सभी क्रेटों को चेक किया जा रहा है। एक सौ बीस और 150 रुपए से और इस माल में 40 हो गया, 140 वाली है ना, तेल पर इतने दिनों से 10 ग्राम ला
और अच्छी क्वालिटी का टमाटर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इसकी पूरी लाइनिंग और उम्मीद है कि बड़ी तेज बढ़ेगी। शरण जी आज अदरक के भाव गिर गए हैं, 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आज अदरक बिका है। हमने सुबह 6 बजे आज सब्जियों के भाव दिखाए थे, शायद उस वक्त आप हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें कि 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अदरक आज सोलन सब्जी मंडी में बिका, 70 रुपए। इस वक्त हमारी आवाज आप तक पहुंच रही या नहीं ये कृपा करके बता दें शरण जी कि हमारी आवाज क्लियर आ रही है, 70 रुपए। चार सौ चालीस सिंह जी का स्वागत है और उन्होंने अदरक के बारे में हमारे से पूछा है, 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आज अदरक सोलन सब्जी मंडी में बिका है। धन्यवाद जी। चलो सोना गया सोना, नीरा मीठा मादर। और इस वक्त बोली लगने जा रही है और गर्मियों के सीजन में 400 10 ग्रेड जी ₹460 की बोली चलो जी 380 और सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त टमाटर की बोली है, जैसा माल वैसा दाम है, जैसा माल वैसा दाम है। नंबरदार जी पीछे वासी वस्ते रहते हैं, माल देना नहीं घर वस्तों को क्या रास्ते लेना, दो नंबर में आगे 150 रुपए की बोली क्यों नहीं चलेगा मेरे पास। और सब्जी मंडी में पहुंचाने का किराया करीब 30 रुपए प्रति प्लेट होगा। बोलो जी 110 और 150 से 110 रुपए की बोली, 150 रुपए खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। चलो 150 बोल दे प्यार से, 140 रुपया 140 रुपए के हिसाब से बिक्री। 6 ग्रेड है भाजी, माल आ गया नीरा सुर्ख लाल माल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छह बोलना जी, बोल सागर 400 दिल से बोल, 350 60 17 360 सागर 6 एक कितना है जी, 6 और 6 आ गई आगे 370 80 370 राजू पूरा हो गया तो पूरा करना की तस्वीर है, देखो 400 आ गया, थोड़ी लग जाए भाई इसमें भैया फल्टी करके ले लो, क्यों भाई फल्टी करने को बोल रहे हैं सेठ जी, बढ़िया माल है पलटी करके देखना भाई साहब। और आप देख रहे हैं तीर्थानंद जी की आवाज, क्या बढ़िया माल है, सुनहरी भारी माल है भाई साहब। फूलगोभी का जो रेट रहा है, नॉन की फूलगोभी का रेट 40 रुपए प्रति किलो रहा है और जबकि लोकल 20 रुपए प्रति किलो सब्जी मंडी में बिकी है। आज मटर था 50 रुपए बिका था,
क्योंकि मटर की क्वालिटी बहुत ही पुअर थी। माल बढ़िया लेना देख के, नहीं 48 नंबर में लग जाता है, बड़े बढ़िया माल है। बहुत हंसरे लोग, बहुत हंसरे। 400 गति रुको ना मुंह, चलो खिलाड़ी कर दो, एक काउंट कर दो, 440 डीएफसी नवी की। और जगदीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जगदीश जी सबसे बड़े खरीदार हैं टमाटर के, और उनसे जानेंगे। जगदीश जी, सोलन सब्जी मंडी में हम देख रहे हैं नासिक का टमाटर भी पहुंच रहा है, लोकल टमाटर भी पहुंच रहा है, नासिक और लोकल टमाटर के आज भाव बराबरी थे, क्या वजह लग रही है? एक्चुअली इतना टमाटर आ गया हुआ मंडियों में जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब खरीदने वाला कोई खरीदार नहीं है। कुछ तो शायद दिल्ली जो G20 सम्मेलन है उसकी वजह से भी फर्क पड़ा है, हरियाणा और चंडीगढ़ की तरफ को माल मुड़ा है, तो दिल्ली की मंडियाँ तो खाली तो है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि खाली है, माल तो वहाँ भी भरपूर है, पर उसका भी असर होगा। वैसे आज बारिश है पीछे, उसकी वजह से थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है, 400-450 जो टमाटर बिका है, कल तो 300-350 तो बारिश की वजह से 100 रुपए का उछाल आज हर एक मंडी में, बेंगलोर भी 100 रुपए का उछाल है। तो बारिश कहाँ? औरंगाबाद बारिश है, बेंगलोर बारिश है, तो जहाँ जहाँ बारिश है उसकी वजह से आज 100 रुपए का उछाल देखने को मिल रहा है हर एक। और जगदीश जी थे जो हमें, रवि ठाकुर जी, जो ब्रोकली का जो रेट रहा है वो 100 रुपए प्रति किलो रहा है, और सोलन सब्जी मंडी में ब्रोकली में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले और जब पिछला सीजन चला था तो ब्रोकली को पूछने वाला कोई नहीं था, काफी कम रेट थे, पहले तेजी थी फिर मंदी आ गई। और सोलन सब्जी मंडी के और तीर्थानंद जी से हम बात भी करेंगे, काकू के पास ले ले, मैं इसका पता कर लूंगा। और तीर्थानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो टमाटर की बोली लगाकर अब फारिग हुए हैं। तीर्थानंद जी, टमाटर के रेटों में कल की तुलना में आज थोड़ी तेजी देखने को मिली है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है सब्जी मंडी सोलन शॉप नंबर 49। आज जो टमाटर का जो सप्लाई हुआ है, टमाटर अलग अलग जगहों से आया है, टमाटर सब्जी मंडी में मंदे को देख के बहुत कम जो माल है यहाँ पर आज सब्जी मंडी में लाया है, और जितने भी लोग हमारे अन्य राज्यों से आए हैं इनका छोटा पूरा जब नहीं हो पाता है तो पूरा बाजार तेज कर देते हैं, इसलिए कल की बनिस्पत जो है पूरा बाजार आज तेज हुआ है, और बहुत ही अच्छे जो क्वालिटी का माल है यहाँ पर बहुत बढ़िया हिमसौदा हमारे पास 450 रुपये तक फुल क्रेट गया है। जैसे आप देख रहे हैं जो गोल चाल वाला हाइब्रिड है वो 320 रुपये तक गया है, अगर बात हम पुराने माल की करें तो 150 से 250 तक गया, पुराना माल जो हो चुका है वो गया है आज। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और एक बोली फिर शुरू हो गई है टमाटर की, हम चाहेंगे कि हम वहाँ की भी आपको दिखाएं, मेहता जी की शॉप पर 470 रुपए तक की बोली आज आप देख रहे हैं। 150 रवि ठाकुर जी, लाहौल सोलन सब्जी मंडी में पहुंची नहीं है तो इसलिए इसके दाम क्या रहे होंगे इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं
पूछ के बताता हूँ कि अगर ब्रोकली का जो रेट था 100 रुपए प्रति किलो था, तो शायद हो सकता है कि लाहौल की भी ब्रोकली हो, लाहौल की फूलगोभी का जो रेट रहा है वो 40 से 45 रुपए प्रति किलो रहा है। और चंडीगढ़ के व्यापारी यहाँ पर संजय चौहान जी, पत्ता गोभी का में तेजी देखने को मिली है, 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आज बिकी है, 800 रुपए का भी कट्टा बिका है और 700 रुपए का भी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए। टमाटर की बोली यहां पर चली हुई है, टमाटर में आज कल की तुलना में आज थोड़ी तेजी देखने को जरूर मिली है। कल जहां 331 रुपए मैक्सिमम रेट रहा था, आज 480 रुपए तक टमाटर की क्रेट बिकी है। हालांकि 500 रुपए से नीचे जो टमाटर बिक रहा है किसानों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कल की तुलना में आज टमाटर के दाम थोड़े बड़े हैं और नासिक का टमाटर और लोकल टमाटर आज जो भाव रहे हैं वो सेम रहे हैं, लेकिन लोकल टमाटर अब सुबह की बोली में बराबर भी था लेकिन अब आगे निकल गया है। 480 रुपए तक सोलन सब्जी मंडी में आज टमाटर बिका है और इसका कारण बताया जा रहा है कि औरंगाबाद और बेंगलोर में आज बारिशें हुई है और उसकी वजह से मंडी में थोड़े जो माल है माल कम पहुंचा है और सभी मंडियों में 100-100 रुपए की तेजी आज देखने को मिली और इसी का परिणाम है कि सोलन सब्जी मंडी में भी टमाटर में तेजी देखने को मिली है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में टमाटर में और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात के सीजन में टमाटर के जो दाम गिर रहे हैं उसे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हो रहा है। कारण है कि सबसे बड़ी बात यह भी है कि मंडियों में जो टमाटर के दाम है वो लगातार गिर रहे हैं, लेकिन बाजार में टमाटर गिरने का नाम नहीं ले रहा है। कारण है कि जो मुनाफा खो रहा है वो दाम कम करने को तैयार नहीं है, लेकिन और किसान से ज़्यादा फायदा इस वक्त वही उठा रहे हैं। किसान का जो टमाटर है वो यहाँ पर 400-500 रुपए के बीच में बिक रहा है और एवरेज रेट निकाले तो 300 रुपए प्रति क्रेट बिक रहा है, और जबकि बाजार में अभी भी टमाटर के भाव 30 से 40 रुपए प्रति किलो के बीच में बने हुए हैं और यह कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के साथ छल भी हो रहा है और संबंधित विभागों को इसको लेकर कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि मुनाफा का भी एक मार्जिन तय है कि कितना मार्जिन कमा सकते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त लागू हो गया है जिसमें 25% से अधिक मार्जिन रिटेलर नहीं कमा सकता और इस वक्त हम देख रहे हैं कि डबल मार्जिन पे काम हो रहा है और कहीं ना कहीं उपभोक्ता को ठगा जा रहा है, जबकि बाजार में सब्जियां अभी भी महंगी है, जबकि सब्जी मंडी में सब्जियां अब सस्ती होती जा रही है, लगातार दाम गिर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत